सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वॉर मोडो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TVS Apache RTR 164V स्पेशल एडिशन के दिवाली ऑफर के बारे में, कितना डिस्काउंट मिला है और किसको मिलेगा ये डिस्काउंट और कितना ये ऑन रोड जाती है और ये बाइक उस प्राइस में अच्छी रहती है या नहीं, वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राइसिंग की। तो यहाँ पर शांत वी TVS उदगीर शोरूम में इसकी प्राइस है 1,67,000 रुपये ऑन रोड, 1,67,000 रुपीज़ ऑन रोड, जो कि है TVS Apache RTR 164V स्पेशल एडिशन सिंगल चैनल ABS मॉडल। और इसके ऊपर लगभग 3,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि सिर्फ स्टूडेंट को मिलेगा और स्टूडेंट ID बताने पर आपको मिल जाएगा। 3,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इस बाइक की प्राइस 1,64,000 रुपये हो जाती है, 1,64,000 रुपीज़। और अगर आपको TVS ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत वीर TVS उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर इस बाइक का प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि है 1,67,000 रुपीज़ ऑन रोड। और दिवाली ऑफर मतलब आपको 1 नवंबर तक ये ऑफर देखने को मिल जाता है। बाकी ये बाइक 1,67,000 या फिर 1,64,000 रुपये में कैसी रहती है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लुक्स की बात करें तो ये स्पेशल एडिशन है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक प्लस रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, अलॉय व्हील का कलर आपको रेड मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको बेली पैन देखने को मिल जाता है, सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग मिलती है, बाकी अपाचे की ब्रांडिंग उधर आती है। सामने आपको बड़ा सा डोम मिलता है, DRL मिलता है, डे टाइम रनिंग लाइट, और नीचे TVS रेसिंग की ब्रांडिंग। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से भी बाइक बहुत ही बढ़िया लगती है अगर अपन स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से देखते हैं। तब बड़ा सा साइलेंसर मिलता है आपको, मस्कुलर साइलेंसर आता है इसके अंदर। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है इस बाइक का, अच्छी टेल लाइट है, प्रॉपर टायर अगर मिलता है, प्रॉपर आपको फेंडर मिलता है पीछे, और यहाँ पर प्रॉपर आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिलेगा, लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर RTR 164V की ब्रांडिंग, यहाँ अपाचे की ब्रांडिंग आती है। इधर से बाइक को बताऊँ तो टैंक मस्कुलर लगेगा, उधर साइड से देखेंगे अपन तो यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिलेगा, यहाँ पर रेसिंग का आपको फ्लैग देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टैंक लिड जो कि ऑफ साइड है, E20 की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, मैट ब्लैक प्लस रेड कलर का, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सीट कवर भी आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है, जो कि 1,64,000 रुपये के सबसे अच्छा है डिज़ाइन। मेरे हिसाब से इस प्राइस में इसका डिज़ाइन बुरा नहीं है, ठीक ठाक कहूँगा मैं, मतलब 100 में से अपन 70 नंबर दे सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन आता है इस बाइक का। बाकी यहाँ टायर्स की बात करें तो प्राइस के हिसाब से टायर पतले हैं इसके अंदर। सामने 90 सेक्शन का टायर मिलता है आपको, 90-90-17 का। यहाँ पर 100 सेक्शन या फिर 110 सेक्शन का टायर आना चाहिए, जैसे कि हॉर्नेट में आता है। अब बात करें रियर टायर की तो यहाँ पर रियर टायर आपको अच्छा मिलेगा, पीछे मिलता है आपको 130-70-17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर रियर टायर अच्छा है, डिसेंट है। यहाँ पर अगर 140 सेक्शन टायर आ जाए तो और अच्छा होगा, बाकी यहाँ पर ये भी टायर बुरा नहीं रहता। तो यहाँ पर पहली कमी तो आपको टायर में मिलेगी। अब प्राइस के सबसे थोड़ा मेरे को टायर पतले लगे। बाकी दूसरी बात करें अपन ब्रेक्स की तो यहाँ पर डुअल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS और डुअल डिस्क विथ डुअल चैनल ABS दो मॉडल मिलेंगे। ये है सिंगल चैनल ABS मॉडल और इसका ABS आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग है। सामने मिलता है आपको 270mm का डिस्क, जो कि अच्छा बड़ा है, और रियर में मिलता है 200mm का डिस्क। तो यहाँ पर आपको पेटल डिस्क मिलेंगे जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे राइडर को, तो ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस के हिसाब से आपको ब्रेक्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन डुअल चैनल ABS इसी के अंदर आ जाना चाहिए था, मतलब इतने ही प्राइस में डुअल चैनल ABS आता तो और अच्छा होता। और यहाँ अपन बात करें सस्पेंशन की तो अभी तक कंपनी अपसाइड डाउन फोक नहीं देती, जो कि बहुत ही बड़ी कमी लगती है मेरे को अपाचे के अंदर, क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसके अंदर, लेकिन अभी तक अपसाइड डाउन फोक नहीं आया इसके अंदर। और पीछे आपको मोनोशॉक मिलेगा जो कि अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है राइडर को। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक तो मोटर टायर और सस्पेंशन सेटअप के अंदर भी अपग्रेड की ज़रूरत है। बाकी अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल्स की तो यहाँ पर कंपनी देती है LED हेडलाइट विथ DRL, और जो टेल लाइट है वो आपको LED मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है इंडिकेटर में, यहाँ पर कंपनी देती है हैलोजन इंडिकेटर, मेरे हिसाब से इसके अंदर LED इंडिकेटर आ जाना चाहिए, प्राइस के हिसाब से इसके इंडिकेटर इसको सूट नहीं करते। बाकी आप चलेंगे सीधा इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ तो यहाँ पर कंपनी देती है फुल्ली डिजिटल मीटर, जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। गियर अप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर हाई अपाचियन लिखा हुआ आता है, अर्बन मोड चालू है इसके अंदर, 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, एवरेज स्पीड बताता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर बटन्स मिलते हैं मेन्यू के लिए, लैप टाइमर आता है इसके अंदर, इसके बाद आता है हाई स्पीड मोड, और यहाँ पर 0 to 60 रिकॉर्डर मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर्स हैं।
और यहाँ पर एवरेज स्पीड दोबारा से वही आ गया। बाकी यहाँ पर स्पीड बताता है, यह है गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्शन है, स्मार्ट कनेक्ट आता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर मतलब RPM, फ्यूल गेज, क्लॉक और यहाँ पर इंजन चेक लाइट, ABS वार्निंग लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, चाबी वाली लाइट, इंडिकेटर लाइट और यहाँ पर आपको RPM लिमिट लाइट मिल जाती है। इस बटन को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सर्विस बताता है और एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर दो बटन मिलते हैं, मेन्यू एंड सेलेक्ट। और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन रहने की वजह से यह इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ही बढ़िया बनता है 160cc कैटेगरी में, मतलब ऑल फीचर्स के साथ आता है इसका मीटर। बटन्स की क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है आपको, राइट साइड में इंजन ग्रिल स्विच, इसके नीचे मोड सेलेक्ट बटन, इसके नीचे DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलेगा पीले कलर में। ये है लो बीम हाई बीम बटन, ये है इंडिकेटर बटन और इसके ऊपर इन्फो बटन मिलता है आपको और इसके नीचे हॉर्न, अच्छा लाउड हॉर्न मिलता है आपको, तो हॉर्न भी मेरे को पसंद आया। बाकी अब बात करेंगे इंजन की, तो यहाँ पर 164,000 रुपये के हिसाब से इंजन कैसा मिलता है वो देखेंगे। कंपनी यहाँ देती है 159cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वेल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 17.55 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.7 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर ये जो पावर फिगर्स हैं स्पोर्ट्स मोड में आते हैं और ये सबसे ज़्यादा पावर फिगर्स हैं इस इंजन के। और यहाँ पर अगर अपन राइडिंग मोड चेंज करेंगे जैसे कि अर्बन या फिर रेन मोड में डालेंगे इस बाइक को, तो आपको पावर और टॉर्क कम मिलेगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और रेन एंड अर्बन मोड में इसकी पावर गिर के हो जाती है लगभग 15.6 PS की और टॉर्क गिर के हो जाता है 14.1 न्यूटन मीटर का। और इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है इसके राइडिंग मोड्स, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो माइलेज तो नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप राइडिंग मोड चेंज करके माइलेज निकालना चाहते हैं तो दो राइडिंग मोड अर्बन और रेन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है। माइलेज की बात करें तो आप उम्मीद कर सकते हैं 40 से 45 की। यहाँ पर आपको सिटी में 40 तक का माइलेज मिलेगा, हाईवे पर 45 तक का। और ये बाइक की पावर के हिसाब से माइलेज भी अच्छा है इसका और 160cc कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये, अगर अपन इंडियन ब्रांड्स में देखते हैं तब। अगर आप यामाहा MT-15 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी पावर कम मिलेगी आपको, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। उसके अंदर 18.4 PS पावर है, इसके अंदर 17.55 PS पावर है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं जो कि इस कैटेगरी में कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती। 3 लेवल के आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, 1, 2, 3 लीवर प्लस ब्रेक तो छोड़ो, यहाँ पर क्लच पर भी मिल जाता है आपको, दोनों जगह मिलता है एडजस्टेबल लीवर्स। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है, जिसके उंगलियाँ लंबी हैं उनके लिए अच्छा है, जिसके उंगलियाँ छोटे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर्स अच्छे मिलते हैं, इंजन भी अच्छा मिलता है। मेरे हिसाब से 164,000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट इंजन है इस बाइक का, अगर अपन परफॉर्मेंस को देखते हैं तब। बाकी आप चलेंगे सीट कंफर्ट की तरफ, तो पहले तो आपको सीट हाइट बता दूंगा मैं, जो कि है 800mm की। अगर आपकी हाइट 5'2" है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। बाकी सीट की बात करूं तो यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको, कुशनिंग भी अच्छी मिलती है, लंबी चौड़ी सीट है और 160cc में वन ऑफ द कंफर्टेबल बाइक है ये, क्योंकि यहाँ पर कुशनिंग अच्छी है, राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है और पीलन कंफर्ट ठीक ठाक मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छा है इसका पीलन कंफर्ट। और ओवरऑल वेट की बात करूं तो 147kg इसका कर्व वेट है, जो कि ज़्यादा हेवी नहीं है और ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, मीडियम साइड आता है इसका कर्व वेट, चलो ठीक है ये भी। और टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर की ही मिलती है, मेरे हिसाब से यहाँ पर 14 या फिर 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी आना चाहिए, माइलेज के हिसाब से टैंक कैपेसिटी थोड़ी कम लगी मेरे को। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया देती है, जो कि है 180mm का विथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया रहता है, अगर अपन कॉम्पिटिशन में आने वाली बाइक से कंपेयर करें तो ये ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है। और थोड़े बहुत ख़राब रास्तों में बड़े बड़े गड्ढों में जाने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि नीचे मार नहीं लगेगा बड़े ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस और सीट कंफर्ट और स्पोर्टेबिलिटी, इंजन और परफॉर्मेंस और फीचर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं अपाचे 164V के स्पेशल एडिशन में। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि ये बाइक किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो भाई अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और पिकअप चाहिए और बजट आपका 165,000 रुपये है, तब आप इस बाइक की तरफ जाओ, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस में कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती। अब दूसरी चीज़ की बात करूं, अगर आपको हाई स्पीड रिकॉर्डर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, 0-60 रिकॉर्डर और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर चाहिए, स्मार्ट एक्स कनेक्ट चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ जाओ। यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स का रहता है। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट में आता है इस बाइक का सुपर मोटो ABS, जो कि इसके कैटेगरी में कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती। यहाँ पर तीसरा पॉजिटिव पॉइंट तो ये सुपर मोटो ABS का रहा। और चौथे पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका सीट कंफर्ट, यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको। पांचवे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट मिलेगी, LED टेल लाइट मिलेगी, अगर आपको इल्यूमिनेशन अच्छा चाहिए तो इसकी तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ
अगला पॉजिटिव पॉइंट मतलब पांचवा पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है इसका साउंड, साउंड भी आपको अच्छा स्पोर्टी मिलता है। और यहाँ पर छठे पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका रियर टायर जो कि है 130 सेक्शन का, और यहाँ पर हैंडलिंग भी अच्छी है इस बाइक की। और मैं कहूँगा इसके अंदर राइडिंग मोड्स जो आते हैं माइलेज निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर कोई कोई यूज़ नहीं करता और कोई यूज़ करता तो माइलेज को नहीं देखता, तो माइलेज निकालने के लिए यहाँ पर राइडिंग मोड्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर। लगभग यहाँ पर 6 से 7 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक आ जाना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर LED इंडिकेटर की कमी है इसके अंदर, दूसरी कमी तो ये रही। और तीसरी कमी है सामने वाले टायर में, यहाँ पर 100 या फिर 110 सेक्शन फ्रंट टायर आना चाहिए। और चौथी कमी तो मेरे को मिली नहीं, बाकी आपको मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको TVS अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन के दिवाली डिस्काउंट और प्राइसिंग के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।